बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज का दिन जो है आपको बताइए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा साल बीत गया और अब अगले दिन ही आपका पेपर है, यानी कि आपका पेपर जो है बहुत ही नजदीक। आप ये समझ लीजिए कि बहुत कम समय बचा है आपके पेपर में। तो पूरे साल पढ़ाई की होगी नहीं की होगी जो भी है आपको पता होगा, पर हमने तो भाई पूरे साल दिन रात मेहनत की है। जितना एक स्टूडेंट करता है अपनी पढ़ाई के लिए, आई थिंक उससे भी ज़्यादा मेहनत शायद हमने करी है उनको पढ़ाने के लिए। तो ये वीडियो जो है स्पेशल वीडियो है, इसमें कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा लेकिन ये चीज़ें बताई जाएगी कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर में गलतियाँ कौन सी हैं जो हमको नहीं करनी है। एपिसोड 25 है हमारा, पेपर में कैसे लिखना है आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई, मैं आपको पेपर लिखने से पहले कुछ दो चार इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या देखना है बच्चों, कि आपको पता है पेपर 15 मिनट आपको मिलते हैं पेपर को पढ़ने के लिए। आप इस 15 मिनट में अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें और अपनी जो रणनीति है पेपर की करने की वो उस 15 मिनट के अंदर ही आपको बना लेनी है। और जिस मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा, उस तरीके से अगर पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो आपका पेपर टाइम पे हो जाएगा और आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे, जो कई बार बच्चे गलती करते हैं वो चीजें नहीं होगी आपके सामने। ध्यान से सुनिए, 15 मिनट में आपको क्या करना है आप ये सोचें। आपको सारा क्वेश्चन पेपर जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। कई बार क्या होता है कि किसी क्वेश्चन को हम कंफ्यूजन के कारण गलत कराते हैं और हमें वो आता है फिर भी हम नहीं कर पाते, हम पढ़ते वक्त ही गलती कर देते हैं। तो आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है बिल्कुल भी। 15 मिनट पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो आपको पता है कि आपके लिए जो सबसे बेस्ट। अब यहाँ पे दो तरह के सवाल आ जाते हैं बच्चों के सामने, कि बच्चे कहते हैं कि कुछ टीचर कहते हैं कि क्वेश्चन को ऐसे करो, पहले पहला क्वेश्चन फिर दूसरा फिर तीसरा चौथा पांचवा, बिल्कुल मतलब सीरीज से करने हैं। कुछ कहते हैं कि भाई कहीं से भी कर लो, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए ज़्यादा बेटर वो है कि आप इस फॉर्मेट को अपनाने की बजाय आप पेपर में वो क्वेश्चन पहले करो जो आपको सबसे बेस्ट आता है, जो कि मैं अपनी हर एक वीडियो में बताता हूँ, ठीक है। सबसे जो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले वो अटेम्प्ट करो। अगर वन मार्क्स की करना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं, वन मार्क्स की कर लो, पांच छोटे से थोड़े से ही क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से आप वन मार्क्स के क्वेश्चन कर लोगे, 10 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे, ठीक है। और फिर आप क्या कर सकते हो, आगे कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो, 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर, कहने का मतलब है कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन प्रश्न नंबर क्लियर लिख देना कि प्रश्न 2 है या तीसरा है या चौथा है, जो भी है क्लियर लिख देना, ताकि टीचर जब चेक करे आंसर आपके तो उसे एक पता लग जाए कि ये कौन से क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। ये बस टीचर को क्लियर होना चाहिए तो आपके मार्क्स बिल्कुल अच्छे आने वाले हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बाकी किसी बच्चे को फिर भी ना लग रहा हो, उसे यही फॉर्मेट अपनाना है, तो भाई बिल्कुल अपनाओ फॉर्मेट, पेपर तुम्हारा है, मर्जी तुम्हारी है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आपको सही लगे आपको वो करें। हम तो केवल आपको एक एडवाइस दे रहे हैं, अगर आपको पसंद आए तो ले लेना एडवाइस, अगर नहीं पसंद आती तो आपका पेपर आपके पास है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे हम कुछ बेटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ना है, डिसाइड कर लेना है 15 मिनट में कौन से पेपर हमें, कौन से क्वेश्चन हमें पहले अटेम्प्ट करने हैं, और उन चीजों को जो सबसे बेस्ट आता है सबसे पहले वो अटेम्प्ट करना है। साफ सुथरा आंसर लिखना है, कटिंग अवॉइड करनी है आपको, अगर ब्लैक पेन मना है तो ब्लैक पेन नहीं ले जाना है, हेडिंग वगैरह जो है आप अपने ब्लू पेन से ही लिखो, अंडरलाइन वगैरह जो भी करना है वो सारी चीजें करो, ये सब है, ठीक है। इससे पहले आपको एक वीडियो बनाई थी मैंने लास्ट ईयर, टॉपर कैसे बने, उस वीडियो को जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, 2 वीडियो है बहुत अच्छे से देखें। अगर उस वीडियो को देखोगे आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि पिछले साल हमने बनाई थी और उस वीडियो से बच्चों को बहुत फायदा हुआ था, आपको भी होगा तो आप उसे जरूर देख लें। अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। आपके सामने मैंने एक बच्चे का पेपर रखा है, उस बच्चे ने मेरे को अपना पेपर भेजा था, आप एक बार देखें इसे किस तरीके से इसने आंसर लिखे हुए, आप पहले से समझें एक बार क्या लिखा है इसने। अनुभाग 1 क्वेश्चन नंबर ये, उत्तर 1 ये सोल्यूशन कराए, उत्तर 2 फिर सोल्यूशन कराए, उत्तर 3 सोल्यूशन करा है, यहाँ पे देखो कटिंग कर रखी है, यहाँ पे देखो कटिंग कर रखी है, हैंड राइटिंग चलो जो है वो तो है ही, आगे फिर एक वर्ड में भी आंसर लिखा हुआ है और आगे इस चीज को देखो, ये प्रथम आम चुनाव 1952 में पहले स्थगित होने के कारण, यानी क्वेश्चन ये है कि पहला आम चुनाव क्यों स्थगित हो गया था, नाम गलत, फूला की बेटी, फला की बेटी था, फूला की बेटी लिख रखा है, द्वारा नाम गलत अपूर्ण दिए हुए, इसने पूरे एक लाइन में लिखने की कोशिश की है, जो कि आपको पता लग रहा होगा कि इसमें कितनी सारी गलतियां हैं, इन गलतियों को पहचानो कि कहां कहां पे आपको मिस्टेक दिख रही है। अगला क्वेश्चन देखो ये नॉर्मल होता है, बच्चे ये गलतियां करते हैं, ठीक है। तो ये टेस्ट पेपर एक बच्चे ने मुझे भेजा था, आपके सामने दिखा रहा हूं, देखो आप ये देखो ताड़ी विरोधी आंदोलन को इसने एक्सप्लेन कर रखा है, ये देखो यहाँ पे लाइन कैसे जा रही है,
यहाँ पे देखो लाइन कैसे जा रही है, इस तरीके से, ये किस तरीके से इसकी लाइन जा रही है आप यहाँ पे महसूस कर रहे होंगे, इतना फिर इतना फिर इतना फिर इतना, ये चीजें गलत हैं, ऐसे नहीं करना होता, ठीक है। महिलाओं और इसके प्रति जागरूकता, इसको अंडरलाइन नहीं करा, फिर आगे इसको पेंसिल से अंडरलाइन कर रखा, ये कर रखा, यहाँ कटिंग, यहाँ कटिंग, और आपको यहाँ पे मिस्टेक आई थिंक सब कुछ अच्छे से नजर आ रही होगी, आपको ऐसा नहीं करना है पेपर में, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अंडरलाइन कर रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ देखो, यहाँ पे फिर वही सीन आ रहा है, नोट करके डाल रखा है, अच्छा है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब कुछ चीजें अच्छी हैं तो कुछ चीजें गलत भी हैं। देखो आपको पता लग रही होंगी कमियां, आप ध्यान से देख लो बस पेपर को। ये देखो, ये जो टॉपर की आंसर शीट है ना, अगर आप देखोगे टॉपर की आंसर शीट जो सीबीएसई ने डाल रखी है, उस बच्चे ने भी कुछ इसी तरीके से लिखने की कोशिश की थी जिस तरीके से इसने लिखा हुआ है, बिल्कुल सही पैटर्न अपनाया है। पर आप देखिए क्या ये अट्रैक्टिव है, यहाँ पे कटिंग वगैरह आपको दिख रही है, क्या ये चीजें अगर आप इस तरीके से पेपर लिखोगे तो क्या आपको लगता है कि आप कभी अच्छे नंबर ला पाओगे, सोचो। देखो भाई, बच्चे ने अच्छी कोशिश की है, सब कुछ बढ़िया किया, लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां ऐसी हैं जो उसे भी बतानी जरूरी है और आपको भी बतानी जरूरी है। स्पेशल मैंने उसी के लिए वीडियो रखी थी, उस बच्चे को कहा था कि भाई पेपर दिखाया जाएगा, कमियां भी बता दी जाएगी, तो उस बच्चे को भी कमियां पता लगेगी, आपको भी कमियां पता लगेगी। ये तो एक नॉर्मल जो बच्चे ने लिखे हैं वहां से। अब हम करते हैं कि हमें कैसे सोल्यूशन करना है, 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आपको बताता हूँ, एक एक क्वेश्चन आपको केवल डेमो के लिए दे रहा हूँ, इस तरीके से आप पेपर में आजमाए इसे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, क्लियर लिखा है प्रश्न नंबर 1, क्वेश्चन ये है कि अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है। अब आपके सामने वही कहोगे कि पेपर में आपको क्वेश्चन तो लिखना नहीं, पर मैंने आपको यहाँ पे केवल समझाने के लिए क्वेश्चन लिखा है, पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं लिखना, प्रश्न नंबर नहीं लिखना आपको, केवल उत्तर नंबर ये, उत्तर उत्तर वो, उत्तर वो, जो भी आपको लिखना उस तरीके से आप लिखते जाना। अमेरिका इतना ताकतवर क्यों है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, 1 पॉइंट ही आपके लिए काफी है, बट हमने यहाँ पे कम से कम अगर बढ़ाना भी चाहो तो 2 पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 पॉइंट लिख दो। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी सेना वाला देश है, दुनिया में सबसे अधिक रक्षा बजट वाला देश है, ठीक है, दोनों चीजें। अब यहाँ पे आपके सामने 2 पॉइंट लिखे, बिल्कुल क्लियर, टीचर जब पढ़ेगा उसे क्लियर समझ में आ जाएगा, भाई ये क्वेश्चन का इसने खूबसूरती से आंसर दे रखा है, यहाँ पे बिल्कुल क्लियर 2 पॉइंट में बातों को समझा रखा है। अब यहाँ पे अंडरलाइन करना चाहते थे तो यहाँ पे लिखते थे भाई बड़ी बड़ी सेना वाला देश, अंडरलाइन कर देते, सबसे अधिक रक्षा बजट, ये भी अंडरलाइन कर सकते थे, बस खत्म। अब चलते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे, कि देखो वर्ड लिमिट को ध्यान रखना, कि वर्ड लिमिट हमने क्या यूज की है, इसके आसपास ही होनी चाहिए, या ना तो वर्ड लिमिट बहुत कम हो और ना ही वर्ड लिमिट बहुत ज्यादा हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने, देखो लिखा हुआ है, आसियान आर्थिक समुदाय के कोई 2 उद्देश्य बताओ। पहला उद्देश्य मैंने हेडिंग लिखा है साझा बाजार और मुक्त व्यापार। मैंने हेडिंग, आप यहाँ पे एक चीज को देखोगे आपको शायद ये चीजें दिख जाए, साझा बाजार, ये जो फॉन्ट है, ये जो वर्ड है, आपको लग नहीं रहा कि ये वर्ड ज्यादा बड़े लिखे हुए हैं एक्सप्लेनेशन के मुकाबले, इनसे ज्यादा बड़े वर्ड लिखे हुए हैं, आपको ये दिख गया होगा, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या दिखी, इसको हमने अंडरलाइन कर रखा है, क्लियर समझ में आ रहा है कि भाई एक ये हेडिंग है एक ये हेडिंग है। अब वापिस आओ आंसर पे, उस वाले आंसर पे, ये देखिए यहाँ पे एक हेडिंग थी, यहीं से एक्सप्लेनेशन शुरू कर दिया और यहीं से लाइन टेढ़ी होनी शुरू हो गई, तो यहाँ पे ये जो गलती आपको दिखी थी इसी चीज को हमने क्या करा, यहाँ पे सुधार लिया, हमने क्या करा हेडिंग ऊपर लिख दी और इसके साथ एक्सप्लेन करना शुरू नहीं किया, हमने एक लाइन छोड़ दी और फिर एक्सप्लेन करा अपनी बातों को, एक पॉइंट ये हो जाएगा और एक पॉइंट ये हो जाएगा। आई होप आपको ये चीजें दिख गई होंगी। अगला हेडिंग हमने यहाँ पे लिख दी, उसे अंडरलाइन कर दिया, उसका एक्सप्लेनेशन नीचे लिख दिया, ये आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, खाली 2 पॉइंट लिखे और उसको ज्यादा नहीं, केवल 2 से 3 लाइनों में ही एक्सप्लेन करा आपके सामने, हमारा आंसर खत्म। चलो चलते हैं 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन था कि ताड़ी विरोधी आंदोलन के बारे में विस्तार से बताओ। अब ये ताड़ी विरोधी आंदोलन जो है इसके बारे में आपको विस्तार से बताना है, तो 4 नंबर का क्वेश्चन है और 4 नंबर में ही आपको विस्तार से भी बताना है, तो आप क्या बता सकते हो, सबसे पहले ये बता दो प्रारंभ कब हुआ, शुरू कब हुआ, 1990 के दशक, जो भी है ये लिख दिया, कारण क्या थे, यहाँ पे कारण लिख दिए। आंदोलन का विस्तार कैसे हुआ, आप ये बता सकते हो कि नेल्लोर जिले में महिला ऐसे ऐसे हुआ था, 5,000 गांव जो थे वो धीरे धीरे जुड़ गए, पूरी कहानी हमने क्या करा कम से कम शब्दों में लिख दिया, लास्ट में एक नारा बता दिया, ये नारा था, खत्म। अब ये आपको देखने में ज्यादा लग रहा होगा बड़ा, बट ये ज्यादा बड़ा नहीं है, पॉइंट ये 4 ही है, पर हमें जैसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था हमने वैसे एक्सप्लेन कर दिया है, काफी है। बाकी आपको पेपर में ऐसे नहीं करना, आपको 4 हेडिंग लिख सकते हो, 4 हेडिंग लिख को एक्सप्लेन कर दो, या नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से पॉइंट बना के भी एक्सप्लेन कर सकते हो।
इसे छोड़ो, अब आ जाओ 6 नंबर के क्वेश्चन में, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा 6 मार्क्स के क्वेश्चन। देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहे हैं कि सोवियत संघ के विघटन के कोई 6 कारण बताओ। मान लो आपको 6 ना पूछे हो, आपसे सीधा ये पूछे कि सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ, 6 आपको बताया ना कि भाई 6 बताने हैं 7 बताने हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 6 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम 6 हेडिंग तो आपको एक्सप्लेन करनी है। हेडिंग नहीं बन रही तो पॉइंट पे लिखो। देखो यहाँ पे क्लियर हेडिंग लिख दिया अच्छे से, उसको अंडरलाइन कर दिया। अब ये जो बीच में मैंने लाइन छोड़ी हुई है, यहाँ पे मैंने कम लाइन छोड़ी है क्योंकि आपको समझाना था, बट आप एक दो लाइन एक्स्ट्रा छोड़ के बीच में क्या कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हो इस हेडिंग का। अगली हेडिंग लिखी उसे अंडरलाइन किया, फिर 2 लाइन छोड़ी यहाँ पे, 2 3 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, जितनी भी आप लिखना चाह रहे हो आप उसमें क्या कर सकते हो, आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। फिर आपके सामने आगे फिर से है, यहाँ पे एक्सप्लेन करो इसे, यहाँ पे एक्सप्लेन करो। ठीक है 6 पॉइंट मैंने लिख दिए, ज्यादा ज्यादा अगर आपको लग रहा है 6 पॉइंट है, आपको और भी आते हैं तो आप 7 लिख दो, पर कोशिश करो ज्यादा ज्यादा 1 या 2 पॉइंट ही बढ़ा सकते हो, इससे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश मत करना वरना टाइम खराब कर लोगे। नंबर 6 में से ही मिलेंगे, 7 लिखोगे तो 7 नहीं मिलेंगे, 8 लिखोगे तो 8 नहीं मिलेंगे, मिलेंगे 6 नंबर में से ही। ठीक है तो आप वर्ड लिमिट को ध्यान में रखोगे तभी आंसर हो पाएगा। अब लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना था, और ये निष्कर्ष कोशिश करना कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ही लिखना है, 4 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन में मत लिखना क्योंकि भाई टाइम इतना नहीं होता और वहां पे कोई फायदा भी नहीं होता है। 6 नंबर के क्वेश्चन में निष्कर्ष कैसे लिखना है, एक निष्कर्ष की हेडिंग डाली और उसी जिस क्वेश्चन के आंसर थे उसी आंसर से कोई 2 3 लाइन उठाओ समरी टाइप की, आप यहाँ पे निष्कर्ष में एक्सप्लेन कर दो, ज्यादा नहीं 3 4 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, काफी आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपको पैटर्न अपनाना है, कटिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन को ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है जो आपको आता है, सबसे पहले वो एक्सप्लेन करना है। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात, पेपर पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे आता हो चाहे ना आता हो, और नहीं आता होगा पूरे साल पढ़ाई कुछ तो आता होगा, बनाकर लिखो पर लिख के आओ, पूरे 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करो पहली चीज। दूसरी चीज क्या आपको समझनी है, यहाँ पे पेपर अटेम्प्ट कर दिया है, बहुत अच्छा कर दिया, निष्कर्ष लिख दिया, सब कुछ कर दिया, अंडरलाइन वगैरह चेक कर लो, लास्ट में आपने क्वेश्चन नंबर सही से लिखा या नहीं लिखा, आंसर सही लिखा या नहीं लिखा, उसको लास्ट में एक बार नजर जरूर डाल दो उसमें ताकि कोई गलती ना हो जाए। ठीक है तो ये सारी चीजें आपको अपने पेपर में ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा था, पेपर अच्छे तरीके से करना है, बेस्ट ऑफ लक सभी को, ऑल द बेस्ट। और लास्ट टाइम पे अगर किसी को डर लग रहा हो पेपर से तो बिल्कुल घबराओ मत, पढ़ा है आराम से हो जाएगा, पेपर ईजी आएगा, सिंपल आएगा, हर एक चीज को अच्छे से कर पाओगे, बस अपना कॉन्फिडेंस बना के रखो, डरना नहीं है, सबका पेपर है यार, सबके साथ थोड़ी बहुत टेंशन हो जाती है पर घबराना नहीं है, आराम से करना है, बेस्ट करना है। और उसके बाद भी दिक्कत हो रही हो तो आप टेंशन ना लो, हल्का रिवाइज कर लेना बस, खत्म हो जाएगा। ठीक है धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।